गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल नवोदय विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस सारे प्यारे प्यारे बच्चों का जो इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं क्लास के शुरू होने का बहुत बहुत स्वागत है सभी को जय हिंद वंदे मातरम तो चलो पहले मिल लेते हैं सबसे ना कौन कौन है क्योंकि एक दो पूरे दिन हो गए हम लोगों को मिले हुए तो मानवी जय हिंद मानवी राज्यवर्धन पुष्पेंद्र कार्तिक आयुष सारे सारे बच्चे गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग बच्चे सो हम लोग सैटरडे को हम लोगों ने एक पेरेंट्स की जब मीटिंग करी थी तो मैंने सब लोगों को देखा भी था मेरे को पता चला कि अच्छा मैं इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ एक्चुअली मैं फिर उसके बाद मैं संडे आ गया तो सभी ने आई होप बहुत अच्छे से संडे को इन्जॉय किया होगा अब हम वापस मंडे से क्लास को शुरू करेंगे और एक्चुअली मैं हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिफिक डिवाइसेस तो काफ़ी सारे साइंटिफिक डिवाइसेस ऐसे हैं बच्चों जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं पर्टिकुलरली उनका काम क्या होता है कहां पर उनको इस्तेमाल किया जाता है आज हम कोशिश करेंगे कि हम अपना ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इसे ख़त्म करें और फिर इसके साथ में जुड़े हुए जो हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे गुड सो so, सारे बच्चे तैयार हैं क्लास के लिए चलो शुरू करते हैं फिर क्लास को जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने हालांकि बहुत सारे ऐसे जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिनको हम लोगों ने देख लिया अब हम देखते हैं बाकी बचे हुए हमारे पास में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन से हैं तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास की रिफ्रैक्टोमीटर से गुड पहले हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो दिखता कैसे है और फिर देखेंगे कि ये क्या मेजर करता है और कैसे मेजर करता है सो so, देखो ये रिफ्रैक्टोमीटर है हमारे पास में ये रहा जिसकी पिक्चर आपको यहाँ ऊपर दिख रही है गुड अब ये रिफ्रैक्टोमीटर है सो so, रिफ्रेक्टोमीटर मेजर करता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को अब जो ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये अपने आप में थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल सा टर्म है लेकिन हम इसको बहुत सिंपल सिंपल शब्दों के अंदर सुनेंगे देखो बेटा ये है हमारे पास में लाइट ठीक है अब ये लाइट जो है उसकी ये बीम है और यहां पर हमारे पास में एक दूसरा मीडियम बना देते हम लोग ना यहां पर तो ये वाटर है और यहां पर जो रेड है वो है हमारे पास में एयर अब ध्यान से सुनना होता क्या है कि जब लाइट की एक बीम है ना एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है कैसे यहां पर रेड वाला हम लोगों ने क्या बनाया है ये है एयर और एयर से निकलकर जब ये दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर सो ये अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन और इसी का जो हम लोगों को एंगल मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सो उस इंडेक्स को उस डेविएशन को मेजर करने का काम कौन करता है ये रिफ्रैक्टोमीटर दोबारा सुनो हमारे पास में अलग अलग मीडियम है मीडियम का मतलब क्या है आप ऐसा लगा लो अलग अलग एनवायरमेंट है हवा है चारों तरफ जैसे कि हम लोग अभी खड़े हुए हैं और फिर हम पानी के अंदर चले जाएं तो हमारे पास में दो अलग अलग मीडियम हो गए एक हो गया एयर और दूसरा हो गया वाटर सो जैसे ही लाइट की बीम एयर से निकलकर वाटर के अंदर एंटर करेगी या वाटर से निकलकर एयर के अंदर एंटर करेगी इसको आगे ले लेते हैं हम लोग है ना थोड़ा सा ये ऐसे और फिर वापस एयर के अंदर एंटर करेगी so, सो उसी डेविएशन को नापते हैं हम किससे? रिफ्रैक्टोमीटर से। तो आपको बच्चों क्या याद रखना है आपको इतना याद रखना है कि रिफ्रेक्टोमीटर जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है बस बाकी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको समझाने के लिए बताई है ताकि आपके दिमाग में ना हो कि मैडम आपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बताया नहीं कि वो क्या होता है फिर हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्या मेजर करता है तो ये चीज आपके समझने के लिए गुड गुड इवनिंग अदिति गुड इवनिंग प्राची हाँ हाँ पुष्पेंद्र पीडीएफ मिल जाएगी बच्चे क्लास की बिल्कुल मिलेगी जरूर मिलेगी हम्म हाँ आदित्य आयुष बच्चे जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना है ना तो आप लोगों को जो भी आपके रजिस्टर्ड नंबर है ना उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे इसकी हाँ टेलीग्राम का लिंक भी भेजेंगे अभी ये क्लास खत्म होगी उसके साथ में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगी तो सारे बच्चे टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाना जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और रही बात भी वो व्हाट्सअप ग्रुप की जिसके बारे में हम लोगों ने पीटीएम के अंदर बात की थी तो वो जैसे ही क्रिएट होता है आपके नंबर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे तो आपको अलग से किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारा नंबर ऐड होगा या नहीं होगा ओके okay? चलो अब रिफ्रैक्टोमीटर से हम आगे निकलते हैं और हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्टॉप वॉच अब ये स्टॉप वॉच हम लोगों ने जरूर देखी होगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि जरूर देखी है क्योंकि मेरी सारे बच्चों से बात हुई है और उन्होंने सब ने मुझे एक लिस्ट दी है कि मैडम मैंने ये वाला गेम जो है वो खेला है इस स्पोर्ट में मेरे पास में गोल्ड मेडल है सिल्वर मेडल है तो मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है या जो इतने सारे स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे उनको स्टॉप वॉच के बारे में पता नहीं हो तो ये वो है बच्चे जिससे बहुत शॉर्ट इंटरवल जो होता है टाइम का उससे भी मेजर किया जाता है आपने ज्यादातर ये वॉच जो है, वो जब हम लोग 200 मीटर या 400 मीटर की रेसेस होती हैं, तो उसमें टाइम को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये सब लोगों ने देखी होगी हम बता लगा सकते हैं सेकंड अब देखो यहां पर जो हम लोग देखते हैं सो so ये पूरा का पूरा कितना है वन मिनट वन मिनट का पूरा ड्यूरेशन है जिसमें हम लोग फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी और सो so ऑन ऐसे हम लोग सेकेंड को मेजर करते हैं सो so, अगर कोई यहां पर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं दिस इज थर्टी सेकेंड सो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल जो होता है टाइम का उसको पता लगाने के लिए इस स्पॉट स्टॉप वॉच का काम में लेते हैं और इसका ज्यादातर इस्तेमाल कहां करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर क्लियर है दोनों चीजें इजी है, है चलो आगे बढ़े अब नेक्स्ट है हमारे पास में विस्कोमीटर अब विस्कोमीटर क्या नापता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो अगेन पहले हम ये समझते हैं कि विस्कोसिटी क्या होती है ठीक है पहले यह आप देखो यह विस्कोमीटर है यह विस्कोसिटी जो है उसको नापता है अब यहां पर मैं आपको पहले एग्जाम्पल देती हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा विस्कोसिटी का मतलब क्या है एक है बच्चे हमारे पास में वॉटर और एक है ऑयल दोनों लिक्विड है लिक्विड है ना वॉटर है ऑयल है अब यहां पर मैंने एक ड्रॉप वाटर की डाल दी और यहां पर ऑयल की एक ड्रॉप डाल दी ठीक है यहां मैं ऐसे बोलती हूँ ड्रॉप से तो कुछ भी नहीं होगा मैंने क्या किया एक स्पून जो है वाटर का गिरा दिया और एक स्पून ऑयल का गिरा दिया तो सबसे जल्दी फ्लो कौन सा होगा इन दोनों में से वाटर पहले फ्लो होगा या ऑयल जल्दी जल्दी मुझे बताओ आदित्य वो नहीं आदित्य नहीं वो जिन्होंने कोर्स नहीं लिया वो कैसे एड होंगे बच्चे है ना हम्म ठीक है देखिए तानिया जो एप पर आप जो क्लासेस है ना ऐप इज पेड है ना सो so, एप पर जो भी क्लासेस होंगी वो ऑलरेडी पेड होंगी क्योंकि जिसने एक्चुअली क्या है ये क्लासेस जो है ना वो पूरे के पूरे कोर्स का एक पार्ट है तो पूरा कोर्स है जिसमें सिर्फ ये क्लासेस नहीं है ई बुक्स आर देयर वीडियो लेक्चर है प्रैक्टिस टेस्ट है वहाँ पर ठीक है उसके बाद में रिविजन टेस्ट है लाइव टेस्ट है और ये लाइव क्लासेस हैं सो so ये सब पूरा का पूरा एक पैकेज है है ना जो कोर्स है सैनिक स्कूल सिक्स क्लास का तो सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं है वहाँ पे ई बुक्स भी हैं वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स भी हैं तो ये उसका पार्ट है ठीक है अच्छा अब आई एम फर्स्ट आई एम फर्स्ट हो गया ओके नहीं नहीं भाई फर्स्ट तो किसी और ने दिया है वाटर 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 ठीक है तो चलो बच्चों सब मेरे को क्या बोल रहे हैं कि मैडम सबसे पहले फ्लो करेगा वाटर और ऑयल जो है वो धीरे धीरे फ्लो करेगा अब ऐसा इसलिए है बेटा बिकॉज ऑयल के भी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि वाटर जो है वो पहले फ्लो करेगा फर्स्ट पे अगर आप पानी गिरा दोगे तो वो जल्दी से फ्लो करेगा और अगर ऑयल गिराएंगे तो वो इतनी जल्दी फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है गुड तो ये हो गया हमारा विस्कोमीटर नेक्स्ट हम लोग देखते बेटा एटोमिक क्लॉक अब एटोमिक क्लॉक देखो मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल अभी तक हम लोगों ने स्टॉप वॉच देखी जो कि सेकेंड का हिसाब लग रही थी अब हम लोग आए हैं मिली सेकेंड्स पर और मिली का हिसाब कौन लगती है ये एटॉमिक लॉक नेचुरल सी बात है हर जगह तो उसको लगा नहीं सकते हमें मिली सेकेंड से क्या लेना है हम तो सेकेंड्स पे भी नहीं जाते हैं हम तो मिनट्स पे चलते हैं सो so, जहां पर हमको बहुत शॉर्ट इंटरवल जो है उसको काम में लेना होता है तो वहां पे क्या होता है एटोमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल सी बात है ये कहां पर होती होगी जहां पर एटॉमिक रिसर्च होते हैं वहीं पर इस तरह की जो क्लॉक्स है उसको लगाया जाता है गुड हम्म hmm. नहीं हम ऐसा नहीं बोल सकते आदिति कि विस्कोसिटी और डेंसिटी जो होती है वो दोनों दोनों सेम होती है बट इनके बीच में एक रिलेशन होता है डेंसिटी बेटा हमेशा सॉलिड की ज्यादा होती है देखो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एक है हमारे पास में सॉलिड एक है लिक्विड और एक है गैस ठीक है अब अगर मैं आपको बोलूं डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सॉलिड की फिर उसके बाद में होती है लिक्विड की और फिर उसके बाद में गैस की गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है लेकिन जब हम विस्कोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं करेक्ट हुआ मतलब हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ दीदी वो बताओ बताओ विस्कोसिटी के अंदर और डेंसिटी के अंदर फर्क समझ में आया या नहीं आया डेंसिटी सॉलिड की भी होती है लिक्विड की भी होती है और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सॉलिड की विस्कोसिटी होती है ओके, okay, बढ़िया। चलो, आगे नाउ, नेक्स्ट इज़ सोनार। अब सोनार का काम क्या होता है फाइंडिंग डिस्टेंस एंड पोजिशन ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एक काम में लिया था रडार क्या बच्चों को याद है रडार मैंने आपको बताया भी था कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो पोजीशन और उनका डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम लोग रडार का इस्तेमाल करते हैं अब वैसा ही काम जो है वो ये सोनार करता है लेकिन कहां पर सब मर्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो पानी के अंदर है तो हम लोग इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे बच्चे सबमरीन के अंदर गुड क्लियर वेरी गुड अब नेक्स्ट इज कलरी मीटर नाउ कलरी मीटर क्या करेगा कंपेयरिंग इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट कलर जैसे मैंने आपको एक मिक्सचर दे दिया उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर है सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लें रेड ये ले लेते हैं येलो ब्लू ग्रीन चार ले लिए अब ये चारों कलर जो है वो मैंने आपको मिक्स करके दे दिए तो अब इसमें से रेड की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है येलो की कितनी है ब्लू की कितनी है और ग्रीन की कितनी है हर एक कलर की अपनी अपनी इंटेंसिटी को मेजर करने का काम कौन करता है कलरीमीटर और ये कलरीमीटर मीटर है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज माइक्रोमीटर माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा माइक्रोमीटर so, क्या करेगा स्मॉल डिस्टेंस और एंगल को नापने का काम करता है ये माइक्रोमीटर ये देखो अब ये यहां पर मैंने पिक्चर में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है आपको बहुत बड़ा सा है पर अगर आप देखें तो इतना सा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये क्या करता है बहुत छोटे से छोटे एंगल को और डिस्टेंस को नापने का काम करता है ये हमारा माइक्रोमीटर क्लियर है हम्म हाँ अभी कर देते हैं बिल्कुल अभी कर देते हैं ये वाला एक बार खत्म कर दे बोलो मीटर फिर मैं कलरी मीटर पर वापस आ जाऊंगी पहले एक बार बोलो मीटर देख लो बच्चा बोलो मीटर का काम क्या है इस मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ सन अब सन का टेम्परेचर कैसे नापेंगे इसको बोलोमीटर को सूरज के पास तो लेके जाएंगे नहीं कि वहां ले जाके वहां पे लटका देंगे और बोलेंगे कि अच्छा बताओ अब कितना टेम्परेचर है तो क्या होता है जो भी रेडिएशंस हैं है ना सन या सोलर रेडिएशन है उनकी क्या नापता है इंटेंसिटी को नापता है कौन बोलोमीटर तो अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा इंटेंसिटी कम है तो टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाएगा पहले मुझे ये बताओ दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए यहाँ तक कोई डाउट फिर मैं कलरीमीटर वापस बता देती हूँ आ, अभी बता देती वाओ प्राची नाइस। अच्छा सवाल है अभी बताती बच्चा है ना पहले इसे क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं देखो जब भी हम क्रोमोमीटर की बात करते हैं so, सो वो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके लिए काम करता है सिर्फ प्राइमरी कलर्स के लिए बाकी दूसरा कोई भी कलर आ गया ब्लैक आ गया वाइट आ गया तो उनकी इंटेंसिटी ये क्रोमोमीटर नहीं बताएगा लेकिन जब हम कलरी मीटर की बात करते हैं तो वो सारे के सारे जो कलर होंगे उनकी इंटेंसिटी बता देता है मिक्सचर दे दिया मैंने आपको है ना या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आपको पर्टिकुलर कोई भी कलर दे दिया मैंने आपको वॉयलेट कलर दे दिया अब मुझे ये देखना है कि ये जो वॉयलेट कलर है इसकी इंटेंसिटी कितनी है बहुत ज्यादा गहरा है डीप है डार्क है या लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी ये कॉलरी मीटर बता देगा बट बत अगर आप प्राइमरी कलर के ऊपर जाओगे तो क्रोमोमीटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है अभी बताओ सही है या नहीं और प्राची प्राची डांस स्टूडियो और स्वप्ना अभी बताए गए मेरे को कि किसका यूज पूछ रहे तानिया जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनको डिटेक्ट करने के लिए रडार का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर हम कोई सबमरीन की बात करते हैं या कोई सबमर्ज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं प्रियांशी ओके प्रियांशी गुड।, गुड गुड क्लियर हाँ ओके आदित्य मेरा स्पीड ठीक है है ना तो मुझे लग रहा है कि स्पीड ठीक है वो उससे लिखा जा सकता है क्योंकि मैं हर एक चीज बोर्ड पे भी लिख रही हूँ फिर भी आई स्लो डाउन ओके चलो नो सेडिमेंटेशन इज ड्यू टू ग्रेविटेशन अदिति सेडिमेंटेशन का मतलब होता है जो भी हैवी चीजें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं ठीक है दैट इज सेडिमेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने अर्थ के साथ में पढ़ा था कि जिस चीज का मास जितना ज्यादा होता है उस चीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा लगता है मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप एक फुटबॉल और एक टेनिस बॉल दोनों को सेम हाइट से नीचे गिराओगे है ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर लगेगा जो भारी होगी और वो जल्दी नीचे जाएगी ठीक है इस लाइक चीटी और हाथी को हम लोग क्या करें नीचे फेंक दे तो चीटी हवा में काफी देर तक रहेगी अल्टीमेटली तो नीचे ही आएगी ड्यू टू तो ग्रेविटी बट हाथी पहले नीचे आ जाएगा बिकॉज उसका मास ज्यादा है तो सेडिमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स और कोई फुटबॉल यस मानवी ने तो जवाब भी दे दिया मैम फुटबॉल है हम लोगों ने यही एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस किया था अभी मैंने नया लिया है चीटी और हाथी करेंगे हम लोग ठीक है ओके okay. चले अब आगे बढ़े हम लोग ठीक है चलो अब मेरे ख्याल से क्रोमोमीटर और कलरी मीटर का काम खत्म हो गया बोलोमीटर भी समझ में आ गया डायरेक्टली बेटा मत सोचना बोलोमीटर को ले जाके सन के ऊपर रखेंगे और पूछेंगे टेम्परेचर कितना है नहीं सन से आने वाली जो रेडिएशन है सोलर रेडिएशन उनको नापते हैं हम लोग और उसी से पता लगा लेते हैं ठीक है चलो आगे बढ़े ना नेक्स्ट इज पोटोमीटर ना पोटोमीटर क्या करता है टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पहले हम समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या है हालांकि मैंने आपको वॉटर साइकिल के अंदर समझाया है ठीक है पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है देखो जितने भी प्लांट्स होते हैं ठीक प्लांट से नेचुरली कुछ वॉटर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता रहता है हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लांट्स से कुछ वाटर जो है वो इवेपोरेट होता रहता है और एनवायरमेंट में चला जाता है एटमॉस्फेयर में चला जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन गुड सो बेसिकली क्या होता है कि प्लांट अपने रूट से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये पानी जो है ऊपर जाता है ठीक है ऊपर जाता है उनकी लीफ तक पहुंचता है और लीफ से धीरे धीरे ये पानी जो है वो एटमोस्फेयर के अंदर चला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन अब यहां पर जो पोटोमीटर है वो ये मेजर करता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लांट जो है उसकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितनी है फॉर एग्जाम्पल वन आर के अंदर उसमें से कितना पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल गया सो so, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन निकालता है अब इसके लिए इस तरह का सेटअप लगाया जाता है बच्चों देखो अब इस सेटअप को ध्यान से देखो ट्रांसपीरेशन पोटोमीटर आराम से समझ में आ जाएगा देखो यहां क्या हो रहा है ये हम लोगों ने प्लांट ले लिया गुड और यहां पर ये देखो, ये देखो एक फनल है। फनल के अंदर हम लोगों ने पानी है के तो उसको कौन एब्सॉर्ब करेगा ये प्लांट कर लिया तो पानी का मूवमेंट कैसा होगा बच्चे ये ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया अब क्या होगा पानी जैसे जैसे इस प्लांट के अंदर ऊपर जाएगा ठीक है रूट से जाएगा ऊपर लीफ तक और लीफ से फिर बाहर निकल जाएगा तो जैसे जैसे पानी ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकलेगा वैसे वैसे यहाँ से पानी और नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा ऐसे लगा लो कि एक पाइप से पानी ऊपर की तरफ निकल रहा है और दूसरे पाइप से अंदर एंटर कर रहा है सो so, जितना पानी यहां पर खत्म होगा एक घंटे के अंदर हम उसे बोलेंगे दिस इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ठीक है और इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं पोटोमीटर को गुड नो आदित्य आई थिंक इस चीज़ में मैं हेल्प नहीं कर सकती कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ में टाइम को कैसे निकालते हैं बट आलास संजय सर है ना क्योंकि वो मैथ से हैं तो आई होप कि वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे ठीक है तो मैं संजय सर से बात करूंगी और आपकी क्वेरीज जो है उन तक पहुंचा दूंगी एंड जब संजय सर की क्लास होगी अभी इसके बाद में तब तो आप खुद भी उनसे पूछ लीजिएगा तो मेरे हिसाब से वो आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे इस केस के अंदर ठीक है बच्चा चलो अब ये तो हो गया ट्रांसपीरेशन अब हम आए हैं हाइग्रोस्कोप पे तो हाइग्रोस्कोप क्या करता है डिटरमाइनिंग द चेंज इन दटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी हमें पता है क्या होता है हमारे पूरे के पूरे एटमोसफेयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है और वो ह्यूमिडिटी कभी बहुत ज़्यादा होती है कभी बहुत कम हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं बहुत ज़्यादा होती है तो बोलते हैं कि आज का जो दिन है वो काफ़ी ह्यूमिड है है ना बहुत ह्यूमिडिटी है और जब ये ह्यूमिडिटी कम होती है तो हम बोलते हैं आज दिन बहुत ड्राई है अब ये जो चेंज आ रहा है ह्यूमिडिटी के अंदर इसको कौन मेजर करता है हाइग्रोस्कोप और ये है वो हाइग्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट अब मुझे बताओ बच्चों दोनों की दोनों चीज़ें ट्रांसपीरेशन भी वाटर साइकिल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है बट रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कैसे निकालते हैं और उसके साथ साथ हाइग्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया फिर आगे बढ़ते हैं क्या सब लोगों ने लिख लिया है जो भी मैं बता रही हूँ सब लोग अपने नोट्स जो हैं उसको अपडेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वेरी नाइस गुड आदित्य और बाकी बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट बताओ मैम को कि हाँ मैम क्लियर हो गया क्लियर मैम क्लियर मानवी हाइड्रो है नाम से ही पता चल जाएगा बच्चे आपको देखो एक है हाइड्रो है ना ये है हाइड्रो ये हाइड्रो क्या करता है ये तो वाटर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं मैंने आपको बताया भी था कि वाटर की वजह से अगर किसी चीज के अंदर कोई चेंजेस आते हैं तो उसके लिए हमें उसको वाटर के अंदर रख के ही ऑब्जर्व करना पड़ता है और उस कंडीशन में हम लोग हाइड्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं और यह है हाइग्रो जो कि ह्यूमिडिटी से जुड़ा हुआ है तो एक पानी के अंदर जो भी चीजें होंगी उनको देखने के लिए काम में आएगा दैट इज हाइड्रोस्कोप और हाइग्रो का मतलब है ह्यूमिडिटी के अंदर कितना चेंज आता है उसको मेजर करते हैं गुड बताओ मानवी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गॉज बहुत इजी है दी वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल कितनी रेन जो है वो एक घंटे के अंदर हुई है हम लोग न्यूज़पेपर के अंदर दिखते हैं इतने मिलीमीटर बारिश हुई कैसे पता चलता है इतने मिलीमीटर बारिश हुई है बारिश तो होके चली गई तो हम क्या करते हैं ये एक पूरा का पूरा रेन गोज गॉज है जिसको यहाँ पे लटका रखा है देखो अब क्या होता है डायरेक्टली जो रेन वाटर होता है वो इसके अंदर आता रहता है और एक पर्टिकुलर आर के अंदर दो घंटे के अंदर है ना कितना पानी आया हम उसे मेजर करते स्केल देख रहा हूँ फाइव टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी और हम देखते हैं कि ये फोर्टी जो है वो कितने घंटे के अंदर आया समझ लो अगर फोर्टी है वो आया है टू आवर्स के अंदर तो वन आवर्स के अंदर कितना होगा ट्वेंटी सिंपल एवरेज निकाल लेते हैं उसका तो so, इससे हमें क्या पता चलता है कि पर्टिकुलरली कितना अमाउंट जो है वो रेनफॉल का है कि इस एक घंटे के अंदर कितना रेनफॉल हुआ है अब नेक्स्ट सिस्मोग्राफ मुझे बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल हम लोग अर्थ क्वेक के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सिस्मोग्राफ होता है उसकी वर्किंग कैसे होती है वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है कैसे बना हुआ होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है काम क्या होता है बच्चे वही सेम इंटेंसिटी और ओरिजिन अर्थ क्वेक का देखना पहली बात कहाँ से ओरिजिनेट है कहाँ से शुरू हुआ है ना हम लोगों ने एपी सेंटर भी पढ़ा था मैंने आपको बताया था एपी सेंटर फोकस ये सब चीजें पढ़ी हम लोगों ने तो कहाँ से शुरू हुआ ये अर्थ को कौन से पॉइंट से शुरू हुआ और उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है कम है वो पता लगाता है और फिर इससे हम लोग क्या देखते हैं रिक्टर स्केल जो स्केलर क्वांटिटी है जिससे हमको पता चलता है टू पे था फोर पे था नाइन पे था या टेन पे था तो ये है हमारा सिस्मोग्राफ यहां पर मशीन भी आपको दिख रही है और इससे जैसे भी लाइंस बनेगी हमारे पास में उससे हमें पीक पता चलेगी ऐसे ये देखो इसी तरह का है हमने तब भी पढ़ा था और ये वही सेम इंस्ट्रूमेंट है गुड आगे बढ़ते नेक्स्ट वी हैव मैनोमीटर अब ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आजकल अनफॉर्चुनेटली घर घर में होता है क्योंकि घर में सब लोगों को किसी ना किसी का ब्लड प्रेशर मेजर करना होता है तो ये काम क्या करता है बेचे ब्लड प्रेशर मेजर करता है ब्लड जो है हमारा वो हमारी आर्टरीज़ के ऊपर कितना प्रेशर डालता है एग्जर्ट करता है वो प्रेशर मेजर करता है ये स्फेगमो मैनोमीटर इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर मोक्यूर प्रेशर की यूनिट ही ये होती है बच्चे लिख लो मिलीमीटर mm मर्क्यूरी इसके साथ में एक और चीज लिखो नॉर्मल कितना होता है 120 एंड ट्वेंटी अपॉन एटी ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो आजकल बहुत कम लोगों का देखने को मिलता है ड्यू टू तो स्ट्रेस बट हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है हमें बिल्कुल अपना ब्लड प्रेशर सही रखना है ये नॉर्मल वैल्यू में इसलिए आपको बता रही हूँ बच्चा क्योंकि जब आप फेगोमैनोमीटर पढ़ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको एक नॉर्मल वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए तो 120 एंड ट्वेंटी बाई एटी मिलीमीटर मर्क्यूरी ये इंपॉर्टेंट है ये हमें याद रखना है ये जो प्रेशर है उसकी यूनिट है गुड नेक्स्ट अब नेक्स्ट तो देखो इसी से जुड़ता जुड़ता है स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्कोप क्या होता है ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डॉक्टर अंकल जो है वो हमारी हार्ट और लंग की जो बीट्स हैं उसे मेजर करते हैं हमें फीवर हो जाता है है ना हमें खांसी जुखाम हो जाता है हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जिस चीज का जिस इंस्ट्रूमेंट का हमारे ऊपर यूज करते हैं वो है स्टेथोस्कोप सबने देखा है और जब हम छोटे हैं जैसे कि आप और आपको ऐसे शौक़ है कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे आई होप्स काफ़ी बच्चों का, का होगा कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे सो तो हमारे पास में एक खिलौने का सेट होता है हम उसको लगा के यही बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर बन गए वन बचपन में सब ने किया है मैंने भी किया है सो तो ये स्टेथोस्कोप है जिससे हम ऐसे कान में लगा के फिर सोचते हैं कि अच्छा आपकी हार्ट बीट कहीं सुनाई दे रही है तो हार्ट बीट और लंग्स जो है उसकी बीट्स को मेजर करने के लिए ये स्टेथोस्कोप काम में लिया जाता है तो ये दोनों बेसिकली मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है नाउ, ट इज थर्मोस्टेट अब थर्मोस्टेट का काम क्या होता है यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन रखना कहां पर जरूरत पड़ जाती है कि हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन रखें तो मैं आपको बताती कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चा जहां पर जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए आपको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये मेंटेन रखनी पड़ती है इससे ज़्यादा इस, इस कमरे का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी इस कमरे की नहीं होनी चाहिए ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी फूड इंडस्ट्रीज जहाँ पर हमारे जो पैकेज फूड्स होते हैं वो रखे जाते हैं सब्जियाँ रखी जाती हैं फ्रूट्स रखे जाते हैं So, वहां पर हम लोगों को एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है मेंटेन करना पड़ता है ऐसे नहीं कि आज अगर बाहर 40 है तो अंदर भी 40 हो जाएगा नहीं तो वहां पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को काम में लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट तो जो थर्मो यानी टेम्परेचर को स्टेटिक रखता है एक जैसा रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं थर्मोस्टेट गुड नेक्स्ट वोल्ट मीटर सिंपल याद रखो वोल्टेज को मेजर करता है सो व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट मीटर अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम क्या बात है कार्तिक कह रहा है मैं भी मैं भी डॉक्टर ही बनना चाहती थी एक्चुअली ना तो इसीलिए मुझे बालूमेंगे स्टेथोस्कोप लगाओ और देखो कि क्या हो रहा है हाँ जी सो वाई ड्यूरिंग फीवर वी गो टू द डॉक्टर एंड ही सेज टू ओपन एंड माउथ एन से आ है ना बिकॉज आपकी जो टंग होती है ना आदित्य है ना वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन का सबसे पहला साइन होती है हम लोगों को नहीं पता चलता है बट डॉक्टर्स को पता चलता है कि हमारी टंग का जो टेक्स्चर जो कलर होता है वो बहुत सारे इन्फेक्शन को देखने के साथ में बता देता है इसलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं से आ जी बाहर निकालो है ना तो इसीलिए उनको ये पता चल जाता है कि हमें फीवर है वायरल इन्फेक्शन हुआ है कोई दूसरा पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फूड पॉइजनिंग हुई है सो वो हमारी टंग से पता चल जाता है और उसके बाद में जब वो हमारी हार्ट बीट और लंग्स की बीट को देखते हैं तो उन्हें और अच्छी तरह से पता चल जाता है कि फीवर है फीवर में जनरली ऐसा होता है कि हार्ट बीट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है बस इसलिए ठीक है हाँ। सिंपल अदिति सिंपल अभी देखो कैसे अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि ये पूरा का पूरा यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया मैंने ध्यान से देखना बच्चे ना अब ये मैंने एक पूरा का पूरा पाइप लटका दिया कहीं पर भी लटका दिया अपने घर के बाहर लटका दिया अब इसके अंदर खूब सारा पानी आ गया है ना और पानी कैसे भर गया देखो यहां तक भर गया ऐसे यहां तक पूरा का पूरा पानी से भर गया और ये पानी आया है वन आर में अब अगर ये ग्रेजुएटेड नहीं होगा ग्रेजुएटेड होने का मतलब ये बेटा कि इसके ऊपर साइन है कि यहां तक अगर पानी आया तो अब आप इसको निकाल के देखोगे कि एक घंटे के अंदर इतना पानी आ गया लेकिन कितना आया क्या बोलोगे कितना आया तो आप बोलो ये फाइव सेंटीमीटर है इसीलिए इसको ग्रेजुएटेड होना जरूरी है ग्रेजुएटेड का मतलब होता है जिसके ऊपर मार्किंग होती है जैसे ये आपने एक ट्यूब लिया अब इसके ऊपर मार्किंग है बच्चा यहाँ पे ये देखो ऐसे ऐसे, ऐसे ट्यूब तो अगर आपको मेजर करना है आपको मैं बोलू दस एम कोई चीज दो कैसे मेजर करोगे ऐसे ही तो ना अगर कोई मार्किंग नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा पानी इकट्ठा भी होता रहेगा और हमको समझ में भी नहीं आएगा हाँ जी हम्म अभी बताओ आदित्य अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा या और एक बार बताऊं और कौन मुझे पूछ रहा है थर्मोस्टेट हाँ थर्मोस्टेट देख लेते वापस देखो मैं क्या बता रही हूँ कि ये कमरा है मेरे पास में अभी सोचे स्टूडियो नहीं है कमरा है और इस कमरे के अंदर मैंने रखे हुए हैं क्या रख दें चलो पहले इसको क्लीन करते हैं फिर कुछ रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर मैंने रखा एप्पल ठीक है खूब सारे एप्पल्स रख दिए पर बहुत सारे कमरे के अंदर मैंने खूब सारे एप्पल को स्टोर किया है अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कमरा है इसका टेम्परेचर होना चाहिए टेन डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा तो मेरे एप्पल्स खराब हो जाएंगे ना मैंने जो स्टोर किया है वो सब खराब हो जाएगा तो मुझे इस कमरे का टेम्परेचर टेन डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करना है यूनिफॉर्म दस से कम भी नहीं होना चाहिए और दस से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए तो कमरे के अंदर क्या लगाया जाता है थर्मोस्टेट जो आप कभी भी नो मैटर वॉट बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है कम है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इस कमरे का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा यूनिफॉर्म रहेगा और वो किसकी वजह से रहेगा इस थर्मोस्टेट की वजह से ठीक है अब बताओ हाँ बिल्कुल पर क्या होता है जब भी हम लोग ए की बात करते हैं ना ठीक है, है? एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं सो उसके लिए हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये कूलिंग के लिए है ठीक है और जब हमें टेम्परेचर की बात करनी होती है तब हम लोग बोलते हैं कि एक थर्मोस्टेट लगाते हैं ठीक आप एसी के साथ में थर्मोस्टेट लगा दोगे वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा थर्मोस्टेट का मतलब है हीटर के साथ में लगा दोगे तो जो हीटिंग है वो कांस्टेंट हो जाएगी एसी के साथ में लगा दोगे तो कूलिंग कांस्टेंट हो जाएगी समझे तो वो क्या करता है टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगा अभी ठीक है हम्म हाँ आइसक्रीम नहीं मैं कह रही हूं मैंने तो एग्जांपल लिया है फूड इंडस्ट्री कहीं कहीं देखा बेटा आपने नर्सरी में जाते हो ना तब नर्सरी में भी देखा गुरु ये चीजें सीखने की होती हैं नर्सरी के अंदर जो सेक्शन होता है ना उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे जो प्लांटलेट्स होते हैं उनको एक ग्रीन कलर के कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है ना कुछ बहुत बड़ा सा कांच का एक बुरा बॉक्स होता है चेम्बर होता है वहां पर वो छोटे छोटे प्लांटलेट को लगते हैं वहां का टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए इतना ही चाहिए अगर आप उनको प्लांट को धूप में रख दोगे तो वो मर जाएंगे तो ये मेंटेनेंस जो है ना टेम्परेचर की उसके अलावा रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ये हर जगह की जाती है मैंने सिर्फ फूड इंडस्ट्रीज का एक एग्जाम्पल लिया है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए स्टोर हाउस जो होते हैं ना वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं गुड श्रेयस कौन सी क्लास के लिए आए हो तुम अभी क्लास का टाइम भूल गए क्या क्लास का टाइम भूल गए 5:15 से क्लास शुरू होती है कमिंग एट सिक्स एंड सेइंग से गुड इवनिंग मैम नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा जल्दी आ गए हो ओके अब बच्चों सारे बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है हर एक इंस्ट्रूमेंट क्या हमें कोई डाउट है अभी पूछ लो पहले उनको सॉल्व करेंगे फिर आगे जाएंगे अच्छा मैं बताती हूँ तुम गा देते ध्यान से देखो बेटे इस पिक्चर को देखो तुम पहले ना ये जो है ये मेजर करने के लिए कितना टेम्परेचर हमको चाहिए और ये सेंसर है सेंसर है ठीक है और मैंने क्या बोला ये थर्मोस्टेट जो है आप अगर किसी अवन के साथ में लगाओगे तो अवन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा सो दिस इज सेंसर और उससे हम लोग ये इस घड़ी को सेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्वेंटी फाइव चाहिए और मैंने ट्वेंटी फाइव को उसको कर दिया तो अब वो पर्टिकुलर अवन जो है है ना वो ट्वेंटी फाइव से ऊपर नहीं जाएगा और ये काम कौन करता है ये वाला सेंसर बस के अंदर लगाते हैं वैसा नहीं है बच्चा ओके <laughs> okay. कोई डाउट नहीं है। अभी ठीक है आदित्य बस के अंदर मीटर बेटा मीटर क्या होते हैं ना सारे एक जैसे होते हैं क्योंकि मीटर का मतलब ये है जो मेजर करता है सो so, स्पीड को मेजर करना है तो वो सब इसी तरह से दिखेंगे आपने कभी आप जब बड़े हो जाओगे ना थोड़े से तब आप लैब्स में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा ये अवन है अवन का ये मीटर है गुड एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ आप लोगों ने फ्रिज देखा है और मैंने आपको एक बार होमवर्क भी दिया था कि फ्रिज का टेम्परेचर मुझे बताना तो बच्चों ने मुझे बताया था मैम फोर डिग्री के आसपास होता है तो आपने तो उसको सेट कर दिया एक बार फोर तो क्या कभी वो फोर से ऊपर जाएगा ही नहीं क्यों नहीं जाएगा क्योंकि उसको फोर पे मेंटेन कौन करता है? थर्मोस्टेट। गुड? टेलीग्राम लिंक भी भेज रहे हैं मानवी। ठीक है सारे बच्चों को समझ में आ गया तो बच्चों कल की क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे ठीक है सो so, दो या चार आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है वो बच गए हैं उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कल के कल कर लेंगे ठीक है तो आपसे कल मिलते हैं जय हिंद जय भारत एंड टेलीग्राम का लिंक आपको ज़रूर इसमें डाल देंगे ठीक है बच्चों? चलो बाय